दोस्तों, क्या फ़ोन स्पीकर से आवाज़ आना कम हो गया है या फिर एग्ज़ाम बंद हो गया है? आवाज़ ही नहीं आ रहा है। जब मूवी देखते हो ना के बराबर आता है कॉल पर, सामने वाले की आवाज़ सही से सुनाई नहीं दे रहा है, फिर आप सोचते हो फ़ोन सर्विस सेंटर लेकर स्पीकर चेंज कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सभी मोबाइल में ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन होता है और ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन से 500 गुना बढ़ा सकते हैं, नया जैसा बना सकते हैं। जब आपने नया फ़ोन लिया था स्पीकर से सही से आवाज़ आ रहा था, मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा जिससे करने के बाद फ़ोन में स्पीकर का आवाज़ 500 गुना बढ़ जाएगा, अपने फ़ोन स्पीकर को नया जैसा बना सकते हो और डीजे जैसा साउंड सुनने को मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हो वो ट्रिक है क्या जिससे अपने मोबाइल में करके स्पीकर का आवाज़ बढ़ा सको, वीडियो को बिना स्किप करें आखिर तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ यूपी सीखने को मिलता है, जरूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप फ़ोन के सेटिंग में आओगे और यहाँ पर देखोगे ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन से फ़ोन में स्पीकर का आवाज़ 500 गुना बढ़ा सकते हो और डीजे जैसा साउंड सुनने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक्सेसिबिलिटी में ये सेटिंग है क्या। तो अपने मोबाइल में सेटिंग ओपन कर लीजिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पर जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सिस्टम सेटिंग, या फिर आपके मोबाइल में ऑप्शन होगा एडिशनल सेटिंग। तो यहाँ पर सिस्टम सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, फिर देखिए ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक कीजिए और ये पहला ट्रिक है। और यहाँ से आपको इस तरीके से स्लाइड करना है, इस तरीके से स्लाइड कीजिए और यहाँ पर एक ऑप्शन है मोनो ऑडियो, ये सेटिंग बंद होगा, यहाँ से ये सेटिंग ऑन करना है मोनो ऑडियो। और नीचे यहाँ पर एक चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग, यहाँ से आपको ये सेटिंग चेंज नहीं करना, जैसा है वैसा डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। बस आपको ये छोटा सा सेटिंग यहाँ से एनेबल करना, इससे होगा क्या आपके फ़ोन के स्पीकर में जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये था पहला ट्रिक। ये करने के बाद आपको दूसरा ट्रिक करना है जिससे आप फ़ोन के स्पीकर को बूस्ट करोगे, साउंड बूस्ट हो जाएगा। और ये करने के लिए ये छोटा सा ऐप डाउनलोड करना है। ये कौन सा ऐप है, कहाँ से डाउनलोड करोगे, वीडियो का आखिर बताऊँगा। सबसे पहले इस ऐप के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। ऐप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको ये सेटिंग ऑन करना है। मैं स्पेशली ये ऐप यूज़ करता हूँ, सो ये सेटिंग मैंने ऑन रखा है। मैं खुद यूज़ करता हूँ, ट्राई करता हूँ, तभी मैं आपको किसी भी सेटिंग के बारे में शेयर करता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, तो बूस्टर ये सेटिंग ऑन करना है। नीचे यहाँ पर देखिए 125, 150, 175% और मैक्स ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 125 सेलेक्ट करना है। 125 सेलेक्ट करने के बाद अपने मोबाइल में दो तीन गाना प्ले करके सुनिए, आवाज़ सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आपको लग रहा है आपके फ़ोन के स्पीकर से अभी भी कम साउंड आ रहा है, आवाज़ आ रहा है, तो यहाँ से 150% आपको सेलेक्ट करना है। आप प्ले करके सुनिए फिर से म्यूज़िक, देखिए आवाज़ कैसा सुनाई दे रहा है। अगर अभी भी यहाँ पर आवाज़ कम आ रहा है, ठीक है, अगर अभी भी आपको आवाज़ कम सुनाई दे रहा है, फिर आपको यहाँ पर 175 करना है। ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है। अगर अभी भी आपको लग रहा है आवाज़ कम आ रहा है तो यहाँ से मैक्स करना है। जैसे मैक्स करोगे यकीन मानना डीजे जैसा साउंड आपको फ़ोन के स्पीकर से सुनने को मिलेगा, आपका फ़ोन का स्पीकर नया बन जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर 125 या फिर 150 के अंदर सही आवाज़ आ रहा है, आवाज़ अगर बढ़ गया है साउंड, फिर आपको इसे और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर 150 या फिर 125 या फिर 175 के अंदर आवाज़ सही आने लगा है तो इसको और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर नीचे देखिए ऑटो एनेबल बूस्टर ऑन ऐप स्टार्ट, ये सेटिंग अगर ऑफ होगा, ये सेटिंग ऑन करना, ये सेटिंग ऑन करने से होगा क्या, जब आप फ़ोन रिस्टार्ट करोगे ये एप्लीकेशन अपने आप फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे ऑप्शन ऑटो स्टार्ट बूस्टर ऑन डिवाइस रिबूट, ये सेटिंग भी ऑन करना है। जैसे आप ये छोटा सा सेटिंग बस इस ऐप के अंदर कर लोगे, देखना आपके फ़ोन के स्पीकर से डीजे जैसा आपको साउंड सुनने को मिलेगा, स्पीकर का आवाज़ 500 गुना यहाँ पर बढ़ जाएगा, फ़ोन का स्पीकर नया जैसा हो जाएगा। ठीक है, अब जान लीजिए ये कौन सा ऐप है और कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर, ये प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च कर लीजिए वॉल्यूम प्लस, और सबसे ऊपर ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, ये एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है। और देखिए यहाँ पर वॉल्यूम प्लस ये ऐप डाउनलोड करना है। अगर होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट ऐप लिंक दे दूंगा। अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं, देखिए 4.6 की रेटिंग है, 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है। रेटिंग से आप यहाँ पर समझ सकते हो कितना ट्रस्टेड ऐप है, कितना वैल्यूएबल ऐप है। तो इस ऐप के अंदर से और एक्सेसिबिलिटी के अंदर ये सेटिंग करके दो ट्रिक अप्लाई करके अपने फ़ोन स्पीकर को नया बना सकते हो, 500 गुना यहाँ पर आवाज़ बढ़ जाएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो।
जय हिंद।